अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग ये है कि यार मैं सोया हुआ था नमाज मास पढ़ के, ठीक है, अचानक से अम्मा जी आती हैं, कहती हैं जी उठें, हमने जाना है जी इफ्तारी पे। और अभी टाइम का मुकाबला सख्त है क्योंकि मैं अभी आपको टाइम दिखाता हूँ जी। ये देखें टाइम अभी हो रहे हैं 6:15, और अब हम कब तक पहुँचेंगे और इफ्तारी पे टाइम पर पहुँच भी सकते हैं नहीं। عيناي شوقا ولطيبة ترفت عشقا। हम पहुंच गए हैं जी लंदन कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट और यहाँ पे आज हम इफ्तार बूफे करेंगे। और ये है बैरिया फेस 7 ग्रीन वैली के बिल्कुल साथ। अब हम आ चुके हैं घर वापस और घर में हमने थोड़ा सा काम वगैरह खोला हुआ है यार, यू नो हल्के फुल्के टचअप्स किया, वो चलते रहते हैं। ईद भी आ रही है, दावतें वगैरह भी होंगी, तो हमने कहा थोड़ा घर को जो है वो पेंट शेंट कर दिया जाए जहाँ से थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हुआ है। मैं आज तरावियों से ही आया हूँ तो मेरा दिल कर रहा था कि आज कोई हैवी ज़ात ही जो है ना वो सहरी करके आऊँ, और कोई सही देसी स्टाइल जो नहीं होता, जो पाए शाए मटन शटन कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, न्यारी व्यारी कोई भेजा भेजा शेजा खाऊँ तो कोई भेजा चलेगा ईद पे। तो फिर तरावियाँ शरावियाँ पढ़ के आया तो मैंने सोचा कि यार आज जो है वो कहीं जाएँ, लेकिन फिर प्लान मेरा थोड़ा डिसमिस होया। लेकिन अभी जो है ना मौसम थोड़ा सा है ना यहाँ का, क्योंकि 2-3 दिनों से ना गर्मी है भाई, इस्लामाबाद भिंडी में भी गर्मी है, तो यहाँ का मौसम थोड़ा सा मज़े का हुआ। तो मैंने कहा कि यार नहीं आज बनती है, तो फिर मैंने कॉल की एक दोस्त को, वो कहता जी मैं आया हूँ अपने मेके, ठीक है। फिर मैंने कॉल की उस्मान को और चोई साहब है हमारे और सैफ मई हैं, उनको भी कॉल कर दी, और अब्दुल्ला बर्गर भी है, वो आपको आज सालों से मिलवाएंगे आपको, तो मैंने कहा वो भी हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें कॉल की वो रेडी हो गए, ठीक है जी। और अब हम जा रहे हैं करतारपुरा द फेमस सैरी पॉइंट। और अगर आपने जाना है करतारपुरा तो आप गाड़ी पे जाने की हिमाकत ना करें, आप जाएं बाइक पे, क्योंकि गाड़ी पे जाएंगे तो सैरी का टाइम गुजर जाएगा और सैरी करे बगैर आप वापस आ जाएंगे। बहुत रश होती है और लगाने की पार्किंग की जगह नहीं होती। हाँ जी जोई साहब, आप क्या कर रहे हैं यार? सर आप ये देखे ना, आप बंदों का इंतजार कर रहे हैं, बंदे आएंगे टाइम से, तब भी टाइम भी भाई 3:20 हो गए हैं, 3:20 ऐसी बात है, ठीक है। और वो आप जो दोस्त हमारा अभी गया है, ठीक है, करतारपुरा फैमिली के साथ अच्छे तरीके से, अब उसके साथ हम क्या करें, उसके साथ हम अच्छे तरीके से मामला तय करेंगे उस्मान भाई। अच्छा अभी फिलहाल आप दुआ करें हमारे लिए कि हमें करतारपुर में जगह मिल जाए। और उसी की चुल थी, उसी ने बोला उसी था कि यार आज जाना है, ठीक है, देख बातचीत करेंगे ऐसे ही। चलें। क्या टेंशन लग गई है बाबा जी, हर तरफ खत्म हो गया, सारी हर तरफ खत्म हो गई है। चलो अब देखो ना यार, कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा यार। ओ यार यार ये सैफ की चूल है सारी। सैफा साहब कुछ साथ है नहीं, हमें फारक करवा दिया यार। तो मुश्किल के बाद अब्दुल्ला भाई मिल गया आपको? हाँ मिल गए भाई, जाए मिल गए, शुक्र है भाई, शुक्र है जगह मिली हमें। डिलाइट डिलाइट ये जी पाए शाए पड़े हुए हैं सामने, पाए शाए पड़े हुए हैं ये सामने, उधर से वो चल रही है पराठे शराठे मार रहे हैं। ये आगे है निहारी, ये जी बड़ा पाए, और ये है जी छोले, मुर्ग छोले, मुर्ग छोले हैं जी। जैसा लस्सी भी आ रही है आपकी, जब कर लिया सैरी और मजबूत हो रहे हैं भैया आप,
पेट भर के क्या खाया आपने? मैंने खाई निहारी। निहारी मजे की चीज निहारी थी। अच्छा पाए नहीं? अच्छे लगे पाए? नहीं वो आपकी तरह पाए यार, वो उस जगह से नहीं ना खाए। बकरे के पाए आपको मजा आया अब्दुल्ला भाई? है बहुत अच्छा, अचानक अचानक और बहुत औखी मिली है ना।